So stay tuned with us. As you know that in this video, I will tell you about PS4 consoles and Xbox consoles, PC and mobile. सबसे पहले तो हमारे पास PS4 में आ जाता है PS4 Slim, PS4 Fat और PS4 Pro. PS4 जो Fat वर्जन है वो तो discontinued हो गया, लेकिन हमारे पास PS4 Slim और PS4 Pro अवेलेबल है. PS4 Slim में उसकी प्राइस है 42,000 और हमें उसमें रेजोल्यूशन जो वो प्रोवाइड करवा देते हैं वो 180p. हमें 180p के रेजोल्यूशन में हमारी गेमिंग हो जाती है. और PS4 Pro के अंदर हमारे पास 4K के रेजोल्यूशन में नहीं होती, लेकिन तकरीबन 180p या 4K के रेजोल्यूशन में हो जाती है. और जब बात कहें तो एक्सबॉक्स की, तो एक्सबॉक्स में ट्रू 4K कॉन्सोल्स है. एक्सबॉक्स वन एस की प्राइस है 40,000 और एक्सबॉक्स वन एक्स की प्राइस है 60,000. एक्सबॉक्स वन एस में तकरीबन 180p तक गेमिंग हो जाती है, लेकिन एक्सबॉक्स वन एक्स में ट्रू 4K तक गेमिंग होती है. और ये PS4 Pro से भी ज्यादा बेहतर है. और PC में हमारे पास 3 रेंज है, लो रेंज, मिड रेंज और हाई रेंज. लो रेंज में हमारे पास कोई भी आर्म का प्रोसेसर Core i3 आ जाइए, Core i5, 4th gen, 3rd gen. और रैम हमारे पास मिनिमम 8GB रैम होनी चाहिए और ग्राफिक कार्ड आर्म का कोई RX 570, RX 570. और जो मिड रेंज के बारे में बात आ जाए तो हमारे पास इसमें ज्यादा ऑप्शन है. इसमें Core i3 है 9th gen और Core i5 है 7th gen. और इसमें ग्राफिक कार्ड आ जाएगा GTX 150, GTX 160, 180 और मिनिमम रैम जो होगी 16GB और हार्ड डिस्क इसकी हो जाएगी 1TB. जब हाई एंड की बात आ जाए तो उसके अंदर अगर आपने 8K रेजोल्यूशन के ऊपर गेमिंग करनी है तो उसमें Core i9 9th gen जो लेटेस्ट है और ग्राफिक कार्ड इसमें GTX 2080 Ti या GTX 2070 Ti. और SSD भी इसके लिए जरूरी है 1TB और हार्ड डिस्क मिनिमम 2TB होनी चाहिए और रैम में इसकी 32GB मिनिमम है. अगर आप चाहें, अगर आपका जितना बजट है 64GB तक आप रैम को लेके जा सकते हैं. और आखिरी हमारे पास मोबाइल, अगर आप 10 लाख रुपए का भी मोबाइल लेंगे लेकिन उसमें आप ऑप्शन गेम सिर्फ आपके पास होंगी, मल्टीप्लेयर होंगी, आपके पास कोई हाई एंड गेम्स नहीं होंगी, जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी हो गई, गॉड ऑफ वॉर हो गई, ये गेम्स आप 10 लाख के मोबाइल में भी नहीं खेल सकते. इसलिए मोबाइल के ऊपर आपको इतना खर्च नहीं करना चाहिए. अगर आपने 8K रेजोल्यूशन तक भी, आप 4K रेजोल्यूशन तक भी मोबाइल को लेकर जा सकते हैं, लेकिन आप अपने जो नॉर्मल मोबाइल है 4GB तक उसकी रैम मिनिमम होनी चाहिए, ग्राफिक कार्ड कोई भी आम सा हो जाए और प्रोसेसर हो जाए क्वाड प्रोसेसर. तो इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द बेल आइकन टू गेट ऑल द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस एंड इफ यू लाइक द वीडियोस आल्सो लाइक इट. थैंक यू.